बटर मिल्क के लिए एक कप दूध में 2 टेबलस्पून विनेगर डालकर रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। एक 8 इंच के बेकिंग ट्रे को ऑयल डालकर ग्रीस कर लीजिए। 1 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर और 1 पिंच सॉल्ट डालकर अच्छे से छान लीजिए। या तो आप उसे 3 बार छान लीजिए या फिर 1 बार छानकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब जो आपका बटर मिल्क रेडी हुआ है उसको आप ले लीजिए और अच्छे से बीटर से ब्लेंड कर लीजिए। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसमें आप 3/4 कप शुगर को पाउडर कर लीजिए, जो कि पाउडर्ड शुगर 1 कप हो जाएगा, उसको डाल दीजिए और ब्लेंड करिए। और इसमें 1/4 कप ऑयल भी डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अच्छे से ब्लेंड होने के बाद इसमें आप धीरे धीरे कर कर जो हमारा ड्राई मिक्सचर है उसको आप डालते जाइए और बिना लंप फॉर्म हुए उसको आप अच्छे से मिक्स करते जाइए। याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मैदा का मिक्सचर है उसको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, आपको एक साथ नहीं डालना है, और हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड दिखा रही हूँ इसलिए आपको ये मिक्सचर जल्दी जल्दी मिक्स करते हुए दिखाई देगा, मगर इसको हल्के हाथ से करना है। ये पूरा अच्छे से बैचेस में कर कर आप धीरे धीरे कर कर सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये फाइनल बैच है हमारा। इसको भी मिक्स करने के बाद इसमें 2 टीस्पून वैनिला एसेंस डालकर हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए, पॉरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक स्पैचुला से अच्छे से बीट कर लीजिए। गाइस, आज मेरी बेटी का एग्ज़ाम है इसलिए वो मेरी मदद नहीं कर पा रही है, इसलिए आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अदरवाइज आप उसकी ही आवाज़ सुनते हैं। ये देखिए ये फ्लफी मिक्स हो गया है। अब इसको बेकिंग ट्रे में ले लीजिए। पूरा पोर करने के बाद आपको इसे अच्छे से टैप करना है, एयर बबल्स नहीं रहना चाहिए। अब आप इसको बेकिंग करने के लिए रख दीजिए। गैस स्टॉप पे हो तो लो फ्लेम में आधे घंटे के लिए, और अगर ओवन में हो तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधे घंटे के लिए। ये देखिए गाइस, हमारा केक अच्छा फूल के आ गया है और ये स्टिक में कुछ चिपक भी नहीं रहा है। देखिए बहुत अच्छे से फूल के आया हुआ है। थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद इसे हम साइड से किसी नाइफ से छुड़वा लेंगे। अच्छे से चिपकता नहीं है गाइस, ये इजिली छूट जाता है। इसमें मैंने नीचे बटर पेपर भी लगाया था, उसका वीडियो मैंने छूट गया दिखाने के लिए। अब इसे पलटा दीजिए। पलटा के आप थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये निकल आएगा। हल्के हाथ से उठा दीजिए। ये देखिए गाइस कितना सुंदर बेक हुआ है। बटर पेपर निकाल के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। लिए अब सिरप की तैयारी करते हैं। 1/4 कप शुगर, 1 कप वाटर और 1 पिंच सॉल्ट डालकर इसको उबाल आने तक उबाल लीजिए और उसे ठंडा कर लीजिए। नेक्स्ट फिलिंग की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में 1/4 कप शक्कर डालकर कैरमलाइज कर लीजिए। अच्छे से कैरमलाइज होने के बाद आप इसमें 1 टेबलस्पून बटर, अनसॉल्टेड बटर डालिएगा, डालकर अच्छे से मिला दीजिए। अब इसमें 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम आप डालकर अच्छे से चलाते रहिए। चलाकर इसे सॉस की तरह ये बन जाएगा, इसे कहते हैं कैरमल सॉस। इसे अगर हम फिलिंग के तौर पे डालते हैं तो बहुत केक बहुत ही टेस्टी लगता है। ये हमारा वाइट गनाश है, इसका वीडियो आगे है, आपको मैं दिखाऊंगी। ये हमारा कैरमल सॉस बन चुका है, रेडी हो गया है। इसे दोनों को अच्छे से आपको ठंडा कर लेना है। अब आप केक की लेयरिंग करते हैं। ऊपर से थोड़ा उठा हुआ है इसलिए इसे लेवल करके काट लेते हैं। अब ये फर्स्ट लेयर काट लीजिए। फर्स्ट लेयर कट गया है, अब सेकेंड लेयर। तीनों लेयर को देखिएगा, इवनली काटिएगा, संभल कर आराम से, लेयर बिना टूटे आप इसे इजिली काट सकते हैं ऐसे। और ये थर्ड लेयर देखिए,
केक बोर्ड पर थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम ले लीजिए, उस पर आप फर्स्ट लेयर रख दीजिए। फर्स्ट लेयर अच्छे से जमा के रखिए। अब इसमें सिरप सोकिंग कर दीजिए। सिरप सोकिंग अच्छे से करना है। अब जो कैरमल आप बनाए हैं उसे आप डाल दीजिए, सारी तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और व्हिपिंग क्रीम से पूरे केक के लेयर को कवर कर दीजिए। ये मैंने पाइपिंग बैग में लिया है व्हिपिंग क्रीम, इससे जो बिगनर्स हैं उनको इजी होता है, तो इसको आप लेवल कर लीजिए व्हिपिंग क्रीम को। अच्छे से लेवल करने के बाद जो हमारा चॉकलेट गनाश जो हमने बनाया था उसको आप थोड़ा सा पोर कर दीजिए और इसको भी अच्छे से आप स्प्रेड कर लीजिए। इसमें आप चाहे तो नट्स वगैरह डाल सकते हैं। ये मैंने चॉको चिप्स डाला है यहाँ पे। चॉको चिप्स डालकर आप इसकी सेकेंड लेयर रख दीजिए। सेकेंड लेयर को भी सेम तरीके से ही करना है। सबसे पहले इसमें जो हमारा सिरप सोकिंग था वो कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें जो कैरमल था वो लगाकर व्हिपिंग क्रीम से इसको ढक दिया है। व्हिपिंग क्रीम से लेयर करने के बाद इसमें फिर वाइट चॉकलेट गनाश और जो चॉको चिप्स जो था वो आप डाल के इसको फाइनल कोटिंग कर सकते हैं। फाइनल कोटिंग के लिए सबसे पहले आप क्रम्ब कोट कर लीजिए ताकि क्रम्ब्स उसमें दब जाए, उसके बाद आप इसे फाइनल कोट कर लीजिए। साइड्स को आप स्क्रैपर से ऐसे क्लीन कर लीजिए तो क्लीन साइड्स आपको मिल जाएंगे। ऊपर भी आप अच्छे से लेवल कर लीजिए। ये फाइनल कोट कर लिया है मैंने। अब चॉकलेट गनाश के लिए 200 ग्राम चॉकलेट जो कि लगभग एक कप होगा आप ले लीजिए। इसमें 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर और 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम, मतलब 2:1 रेशियो में होता है चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम। इसको आप ओवन में 10-10 सेकंड के लिए रख के गर्म करके निकाल लीजिए और अच्छा स्मूथ कंसिस्टेंसी में गनाश बना लीजिए। अब 1 घंटे फ्रिज में रखे हुए केक में इस गनाश को पोर कर लीजिए। गनाश अच्छे से पोर हो जाएगा। अब इसमें हम डेकोरेशन कर लेते हैं। ये डार्क चॉकलेट गनाश है, जैसे आपने वाइट चॉकलेट बनाया है वैसे डार्क चॉकलेट में गनाश बना के इसके स्पाइडर के वेब को आप ड्रॉ कर लीजिए। अब प्रिंटेड पेज पे OHP शीट्स लगाकर चॉकलेट से इसको ट्रेस कर लीजिए। ये जो डेकोरेशन है इसको ट्रेस कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग बैग में लेके, ये खाली चॉकलेट है। वाइट चॉकलेट से खिड़कियां बना लीजिए। वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट को डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट करिएगा। सारे चॉकलेट डेकोरेशंस लगा दिए हैं। देखिए स्पाइडरमैन भी लगा दिया है। रेड ब्लू स्टार्स लगा देंगे। अब ये देखिए गाइस, हमारा स्पाइडरमैन केक तैयार हो गया है। ये बाहर से जितना ही सुंदर दिख रहा है अंदर से उतना ही टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। बाय बाय गाइज़।